स्वागत है आप सभी का एक और नई जर्नी में। और आज की जर्नी होने वाली है मानसून वाली, कोंकण की ओर निकल रहे हैं। लेकिन उससे पहले देख लो भाई, ये है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस, नई नवेली वंदे भारत, जिसे कोंकण को गिफ्ट दिया गया है इंडियन रेलवेज द्वारा। यहाँ पर देखो कमाल की वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ पर खड़ी हुई है। ये एक मिनी वंदे भारत है जो कि डेली तो नहीं चलती, हर एक दिन छोड़ के चलती है। वैसे अंदाज़ा लगा लो एक ही रेखा यही आता जाता रहता है। तो भाई ये चलती है सुबह 5:25 पे, एकदम सुबह 5:25 की गाड़ी पकड़ने के लिए जो हाल होता है वो तो आप समझ ही सकते हो। जल्दी अंदर चलते हैं क्योंकि इंटीरियर आपको उसका दिखाना है। इसका इंटीरियर एक अलग ही तरीके से बनाया गया है, रंगों की बात कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं कैसा है। बाकी इंटीरियर आप लोग सबसे पहले देख लो इस ट्रेन का, क्योंकि आप लोग को अच्छी खासी एक्साइटमेंट होगी इसके इंटीरियर के लिए। भाई 10 सेंसर्स वाले डोर हैं, यहाँ आप देखो एक अलग ही रंगों के पैटर्न का यूज़ किया गया है। 3+2 का अरेंजमेंट है एसी चेयर कार के कोच में, क्योंकि फैसिलिटीज जो है वो मैं आपको धीरे धीरे करके आगे बताऊंगा। बाकी ये देख लो भाई, एग्जीक्यूटिव क्लास का जो इसका इंटीरियर है वो एक अलग ही लेवल का कंफर्ट दे रहा है। और साथ साथ जो इसका लुक है वो बहुत ही बढ़िया बनाया गया है, काफ़ी कलरफुल सा और वाइब्रेंट सा इसका इंटीरियर जो है वो बनाया गया है। यहाँ पर आप देख लो, तो एग्जीक्यूटिव क्लास का एक फीचर ये भी है कि आप सीट्स को अपनी पसंदीदा डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हो। और इनफैक्ट व्यूज़ को एंजॉय करना ना, तो इस डायरेक्शन में आप इसे कर सकते हो। डॉट ऑन टाइम यार, 5:25 ट्रेन अपनी निकल चुकी है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से, और डोर्स वगैरह इसके जो है ऑटोमेटिक बंद भी हो चुके हैं। बाकी बहुत सारे लोग पूछने वाले हैं कि सत्या भाई अपनी ट्रेन टिकट वगैरह कहाँ से बुक करते हो, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं वीगो ऐप का यूज़ करता हूँ, जो कि एक वर्ल्ड वाइड ट्रैवल ऐप है, जहाँ से फ्लाइट्स, होटल से डिफरेंट एक्टिविटीज़ को आप बड़ी आसानी से बुक कर सकते हो। वीगो 100 से ज़्यादा वेबसाइट्स एंड 1000 से ज़्यादा रिजल्ट्स को कंपेयर करके बेस्ट एंड चीपेस्ट डील आपके लिए लेकर के आता है। वीगो ने हाल ही में अपनी ट्रेन टिकट बुकिंग भी शुरू की है, जिसका बुकिंग प्रोसेस बहुत ही क्विक एंड सिंपल है। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड कर लेते हो ना, ओपन करोगे आपको बहुत सारे आइकन दिखेंगे। ट्रेन आइकन पर क्लिक करना, सो स्टेशन डालना, डेस्टिनेशन डालना, डेट ऑफ जर्नी चूज़ करो, सर्च पर क्लिक करो, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। इनफैक्ट जिस ट्रेन में टिकट वेटिंग में उसमें कन्फर्मेशन की प्रोबेबिलिटी भी दिख जाएगी, कितने चांसेज हैं। इसके बाद अपनी टिकट आप यहाँ से फटाक से बुक कर सकते हो। मेरी तरफ से एक सलाह ये भी है कि जिस वक्त में आप ट्रेन का किराया चेक कर रहे हो, एक बार फ्लाइट का किराया भी चेक कर लेना, क्योंकि कई बार वीगो आपको कम से कम किराए में फ्लाइट्स की टिकट भी प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट मुंबई गोवा 1800 तक में भी आपको बड़े मज़े से फ्लाइट्स वगैरह मिल जाती हैं। मैंने बहुत बार इस फीचर का यूज़ किया है, आप भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी कमाल का है। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी ऐप को डाउनलोड कर रखा है अपडेट कर लो, क्योंकि नए ऐप में बहुत सारे नए फीचर्स आपको इंतजार कर रहे हैं। और भाई जिन्होंने नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाओ डाउनलोड करो, अपनी ट्रैवलिंग को और कम्फर्टेबल बनाओ। अभी तो दोस्तों बाहर पूरा अंधेरा ही है, दिखाने के लिए कुछ नहीं है। जैसे ही दिन की रोशनी आती है बाकी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। बाकी ट्रेन यहाँ सुबह सुबह एकदम दादर से निकल रही है, थाने पनवेल सब जगह रुकेगी। मलार भाई भी साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, एमके व्लॉग्स है इनका चैनल का नाम। बाकी इंटीरियर बढ़िया है, लेकिन एक चीज़ है, चार्जिंग सॉकेट वगैरह देखो एकदम बगल में दिए गए हैं, यूएसबी से भी आप चार्ज कर सकते हो। पुशबैक वगैरह भी काफ़ी तगड़ा होता है, नेकरेस्ट बहुत ही तगड़ा है इसमें। और न्यूज़पेपर ट्रेन के चलते ही सबसे पहली चीज़ जो है वो मेन न्यूज़पेपर वगैरह यहाँ पे मॉर्निंग में ही सर्व कर दिए गए, भाई पढ़ लो। ट्रेन को मुंबई के अंदर ही थाने और पनवेल में भी स्टॉप दिया गया है। दादर तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया, लेकिन इसके बाद बता दूँ कि ट्रेन खेड रुकेगी, और खेड के बाद सीधा रत्नागिरी, कनकावली, थीवी और फिर सीधा गोवा। लेकिन मानसून टाइम टेबल चल रहा है ना, इसलिए ट्रेन आज 3:30 बजे तक हमको गोवा पहुँचाने वाली है। अब देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या सर्व होता है, मॉर्निंग टी वगैरह कैसी है, फूड का इंतजार करिए, जैसे दिन होगा तो बाहर का नज़ारा तो देखेंगे हम लोग। सुबह सुबह क्या मुंबई के नज़ारे देखो, बस दिन जो है वो शुरू हो रहा है धीरे धीरे, अभी 6:10 हो रहे हैं, पहुँचेंगे पनवेल, थाने वगैरह सब कुछ निकल चुका है, फिर कोंकण एक्सप्लोर करेंगे ऐसे ही, हरा भरा खूबसूरत सा कोंकण। यहाँ पे जनशताब्दी का जो ओवरटेक है वो तो यार दीवा जंक्शन पे ही हो गया सुबह सुबह ही, मुझे लगा था कि आगे जाके स्पीडी ओवरटेक होगा, इसे तो हमने सुबह 6:20 पे ओवरटेक कर लिया। ये 10 मिनट हमसे जस्ट आगे आगे सीएसटी रेलवे स्टेशन से चली है। अच्छी बात ये कि दिन की शुरुआत हुई तब जाके हमें ओवरटेक देखी। बाकी यहाँ पे पनवेल आते आते जो अपनी मॉर्निंग टी है, कॉफ़ी है, वो सर हो गया। मैंने तो कॉफ़ी ली, वरना मैं सो ही जाता यार तब से, 3-4 मैं आप ले चुका हूँ यहाँ आते आते। बाकी एक डाइजेस्टिव बिस्किट भी सर्व किया गया है और साथ में कप।
आप चाहो तो डिस्पोजल कप की भी डिमांड कर सकते हो, सब आपकी चॉइस है। बाकी चलिए जल्दी से कॉफ़ी पीते हैं और पनवेल में आप अराइवल देखिए। बाकी पनवेल से भी ट्रेन में बोर्डिंग है अच्छी खासी, बस एक एक मिनट का ही हॉल्ट है तो हम उतरेंगे नहीं, क्योंकि जो चढ़ने वाले यात्री हैं उन्हें भी इनकन्वीनियंस होगी। पर अंदर से आप देख लो 6:43 पर ट्रेन अपनी यहाँ पर पहुँची है। अब आप ये कह सकते हो ऑफिशियली कि मुंबई के अंदर ये हमारा लास्ट हॉल्ट होने वाला है, इसके बाद ट्रेन सीधा खेड़ में जाके रुकेगी और फिर रत्नागिरी। बाकी ब्रेकफास्ट जो 8 बजे सर्व होने वाला है तो सोचा ट्रे टेबल वगैरह वापस से सजा लें, तो उसकी जो ट्रे टेबल एग्जीक्यूटिव वो साइड में होती है तो आपको कोई भी दिक्कत होगी नहीं यहाँ पे। बाकी खाने में क्या है वो आप देखिएगा, मैं तो चाहता हूँ कुछ महाराष्ट्रियन खाना हो यहाँ पे, क्योंकि हमेशा से मैं डिमांड कर रहा हूँ जिस जगह की गाड़ी है वहाँ के लोगों के टाइप का चॉइस का खाना होना चाहिए ट्रेन में। ब्रेकफास्ट के ऑप्शन आप देख लो, यहाँ पे लाइट चिवड़ा है, यहाँ पे कपकेक है, साथ में एक फ्रेश जूस, एक योगर्ट, भाई ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, और चाय फिर से आपको मिल जाती है, इसमें मेथी एंड थेपला है, साथ में बनाना है, इसमें क्या होगा यार, लग रहा जैसे इडली वड़ा सांभर वाला कॉम्बो नहीं आता साउथ में, वैसे इसमें आलू की सब्जी है, इसमें देखते हैं। ओ वड़ा पाव, नाइस, जो हम चाहते थे, मतलब कुछ महाराष्ट्र स्टाइल फूड। वंदे भारत के स्पेशल थेपले आप यहाँ पे देख लो, साथ में है आलू की सब्जी, ये तो बड़ी अच्छी लग रही है देखने में, थोड़ा टेस्ट किया जाए। नेक्स्ट लेवल का स्वाद है इसका, तो आलू की सब्जी का टेस्ट तो बहुत बढ़िया और थेपले तो वैसे भी अच्छे हैं, सॉस भी दिया गया, लगे हाथ मौका है तो वड़ा पाव भी ट्राई कर ही लेते हैं जल्दी से। वड़ा पाव जो काफी ठीक ठाक सा है, बाकी थेपला एंड ये जो सब्जी का कॉम्बो है ना ये बेस्ट है, मेन तो मुझे सब्जी लगी। वड़ा पाव जैसे मुंबई में मिलता है वैसे ये स्पेशल, तो मतलब क्या होगा इसका ही सबसे अच्छा होता है मुंबई का ही। मेन चीज़ है कि ब्रेकफास्ट में आपको ये अच्छा खाना मिल जाता है तो कोई भी ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होगी, और लास्ट में एक फल खा लेना पेट बिल्कुल फिट है। और लेकिन हाँ, फ्रूट केले के साथ कौन चाय देता है, ये कॉम्बो मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया। और उसके बाद चाय के साथ दही और योगर्ट कौन देता है, ये भी थोड़ा मिसमैच सा कॉम्बो है। बाकी सैनिटाइज़र और वेट वाइप्स वगैरह भी आपको मिल जाती है, स्पून मैंने मंगवा लिया जस्ट आता है, उसके बाद उसको रिव्यू करते हैं। स्पून जो हमने मंगवाया था वो आ गया, अब योगर्ट का रिव्यू कर सकते हैं, इसमें फ्रूट्स वगैरह पड़े हुए हैं, ब्लूबेरी की स्मेल आ रही है। देखो व्यू देखो यार, अगर ब्रेकफास्ट के साथ ऐसे नज़ारे मिले ना और कुछ नहीं चाहिए, पहले तो व्यू देख लो यार क्या मस्त ना, कौन सी रिवर है ये, पहाड़ है उसमें बादल छाए हुए हैं, नदी का पानी एकदम साफ हो रखा है, वाह। ब्लूबेरी का योगर्ट लग रहा है बहुत टेस्टी है, अमूल का एक्चुअली, मज़ेदार। और मेन चीज़ मुझे ठेपले का तो मैं फ़ैन हो गया इसमें जो मिल रहा है। सोलापुर वंदे भारत का तो काफ़ी एवरेज सा खाना था पर इसका बहुत बढ़िया।
ट्रेन के ये जो डोर हैं ये भी पूरे ऑटोमेटिक है। सीसीटीवी कैमरास देखो यहाँ पे लगे हुए हैं, कुछ के अंदर भी लगे हुए हैं। टॉकबैक का सिस्टम है जहाँ इमरजेंसी में आप लोगों पायलट सर या गार्ड सर से बात कर सकते हो, ये भी कोच के अंदर है। बाकी डोर्स भी ऑटोमेटिक है। इसी के साथ हम पहुँच गए हैं अपने कोकन के पहले हॉल्ट खेड़ रेलवे स्टेशन। बारिश की वजह से अराइवल देख लो आप, बहुत प्यारा सा लग रहा है। We are approaching K station. Ujjame vaten darugatle. Hello. Nene phone. So finally we are at Khed. और भाई कोंकण में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे साथ मुझे लगता है आप भी जर्नी इंजॉय कर रहे होंगे। बहुत अच्छा लगा, दरवाजे खुले, बाहर की सांस लेने को मिल रहा है। बस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, ये चीज़ थोड़ी बुरी है। यहाँ पे मैं मिस कर रहा हूँ मांडवी एक्सप्रेस की जर्नी, जिसमें मैं हर साल ट्रैवल करता हूँ, क्योंकि खाना पीना कमाल का मिलता है और साथ साथ दरवाजे खुलते हैं तो नज़ारे इंजॉय करने का मौका मिलता है। बाकी चला जाए अंदर, क्योंकि 2 मिनट का हॉल्ट है। डोर्स ऑटोमेटिक बंद होंगे तो हम यहीं रह जाएंगे। जर्नी कौन दिखाएगा फिर आगे की। वैसे एक चीज़ तो है, कोंकण को एक्सप्लोर करने का मज़ा तभी है जब आप ऐसी ट्रेन में हो जिसके दरवाजे खुलते हो, या स्लीपर में हो जहाँ खिड़कियाँ खुलती हैं, वरना भाई जहाँ ताज़ी हवा खा पा रहे हैं ना, कुछ व्यूज़ को एकदम डिटेल में एंजॉय कर पा रहे हैं, तो वो एक जो चीज़ है ना वो मिसिंग है। कोंकण को नॉर्मल ट्रेन से इंजॉय करने में, जन शताब्दी से इंजॉय करने में आपको ज़्यादा मज़ा आता, जिसके जस्ट 1 घंटा पीछे पीछे चल रही है। ट्रेन अपनी चिपलून से निकल रही है, स्टॉप तो यहाँ पे नहीं दिया गया है, ऑफिशियल स्टॉप नहीं है, डोर्स वगैरह नहीं खुलेंगे, बट हाँ फिर भी मौसम काफी अच्छा है। यहाँ पे मंगला एक्सप्रेस जो है वो आज की है चिपलून में, इसलिए हमारे ट्रेन को अभी तक रोके हुए थे, और साथ साथ पानी वगैरह भी भरा जा रहा था यहाँ पे। एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन मंगला एक्सप्रेस, मंगलक्षद्वीप। यहाँ पे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि गरीब रथ की क्रॉसिंग के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को रोका गया था। बाकी मॉनसून अच्छा है तो सब चीज़ अच्छी लगती है यहाँ पे।
नदी पहाड़ मौसम बारिश बादलों का रिफ्लेक्शन आप पानी में देख सकते हो क्या क्लैरिटी है यार क्या नज़ारे हैं वाओ ये है उक्षी क्रॉसिंग हो रही किसी ट्रेन से अपनी यहाँ पे पोरबंदर कोच्चिवेली कोच्चिवेली से पोरबंदर की ओर जा रही है यहाँ पे उक्षी रेलवे स्टेशन की टनल पे हम लोग पहले टनल के जस्ट बाहर एक वाटरफॉल बनाया गया था अभी वो है कि नहीं पता नहीं देखो सब कंस्ट्रक्शन कर दिया अच्छा हाँ है थोड़ा सा ही पानी था उसमें तो यार तोड़ दिया वाटरफॉल वाटरफॉल में काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो गया इसलिए ज़्यादा पानी वगैरह देखने को नहीं मिला वरना रेलवे स्टेशन बहुत सुंदर है ये देखो वाओ लगातार नॉन स्टॉप वाटरफॉल्स आते हैं इसमें दोनों तरफ स्टेशन के इंडिया के मोस्ट ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशनों में से एक है ये आई मिस दैट वाओ मजा आ गया ये रूट है ही ऐसा कि आपको नॉन स्टॉप सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे और वंदे भारत वैसे तो काफ़ी ठीक ठाक लग रही है अभी फिलहाल इस रूट पर लेकिन इसका जो किराया है ना वो काफ़ी ज़्यादा है ऑलमोस्ट 3380 रुपीज़ मुझे एग्जीक्यूटिव क्लास का पड़ा है उसका 1800 आपको किराया लगभग पड़ेगा एसी चेयर कार का पूरा मुंबई से गोवा तक तो आप फ्लाइट लेना चाहते हो या वंदे भारत ये आपके ऊपर है नज़ारे इन्जॉय करना चाहते हो तो किसी और नॉर्मल ट्रेन से भी आ सकते हो पर हाँ सेफ़ एंड कम्फर्टेबल राइड चाहिए तो वंदे भारत इज़ मोस्ट रिकमेंडेड ट्रेन इन दिस रूट ये था यहाँ का सबसे खूबसूरत रणपत वाटरफॉल यार मज़ा आ गया देख करके अब कुछ समय में हमारी ट्रेन करबुरे टनल में भी जाएगी जो कि इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल है बहुत देर तक चलती रहती है 20-22 मिनट तक तो भाई वो तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे अब सीधा आपसे रत्नागिरी मुलाकात करते हैं मज़ा आया आपको कैसा लगा रणपत फॉल्स बताना ज़रूर जैसे हम लोगों ने लॉन्गेस्ट टनल पार की यहाँ पर देखो बारिश जो है वो वापस से शुरू हो चुकी है और किसी ट्रेन से अपनी क्रॉसिंग हो रही है यहाँ पे नेत्रवती शायद ये तुरंतपुरम टीवीसीएलटीटी हाँ भाई ये गाड़ी भी बहुत बढ़िया है एक बार इसमें भी मेरे को ट्रैवल करना है नेत्रवती में बहुत नाम सुना है इसका पूरा तिरुवनंतपुरम से पूरा आपको मुंबई तक ये लंबी जर्नी पूरी इसमें करने को मिलेगी मेरे साथ एक बार इस बार के मानसून इसमें ज़रूर ट्रैवल करेंगे नेत्रवती ये कन्फर्म्ड है नाम पढ़ लिया यहाँ पे तो यहाँ पे ट्रेन अपनी रत्नागिरी रेलवे स्टेशन पहुँच रही है टाइम देख लो यहाँ पे 20 मिनट्स का जो डिले है वो ऑलमोस्ट हो चुका है और ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे उतर रहे हैं 50-60% लोग यहीं पे उतर रहे हैं ट्रेन के रत्नागिरी को आप कोंकण की सबसे इम्पोर्टेंट जगह कह सकते हो रत्नागिरी के हापुस आम के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा ट्रेन यहाँ 5 मिनट रुकने वाली है अगर आप लोग ट्रेन का खाना नहीं ऑप्ट करते हो और आप यहाँ से कुछ लेना चाहो तो वड़ा पाव फल वगैरह सभी चीज़ें आपको स्टेशन में मिल जाएंगी देखो तो यहाँ पे केले वगैरह अवेलेबल हैं अपनी खूबसूरत सी वंदे भारत यहाँ पे खड़ी हुई है और रत्नागिरी स्टेशन में खाने पीने के स्टॉल भी हैं तो कोई भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है लेकिन हाँ एक चीज़ है बारिश लगातार हो रही है जिससे मौसम जो है बहुत खूबसूरत हो रखा है रत्नागिरी का बीच भी काफ़ी फेमस है साथ साथ रत्नागिरी में गणपति बुड़े का जो मंदिर है बीच वगैरह जो एरिया वो बहुत ही खूबसूरत बहुत फेमस है कभी आप घूमने आ रहे हो ना तो आपको गोवा के मज़े रत्नागिरी में मिल जाएंगे बीचेस में आप रुक सकते हो रिजॉर्ट्स वगैरह हैं मतलब जगह काफ़ी अच्छी है वंदे भारत के दरवाजों पर कोई भरोसा नहीं कि अब जल्दी से बंद ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा अंदर ही हूँ सेफली सोचा आप उससे बात कर लूँ बाकी यहाँ घूमने का मेरा भी बहुत दिनों से मन है कि मानसून में आऊँगा एक्सप्लोर करूँगा रत्नागिरी को कभी ये चीज़ हो नहीं पाई है पॉसिबल आप लोग बताइए कब करना सही रहेगा और कौन कौन सी जगह घूमने लायक है आप बताइए और हम आएंगे ज़रूर फिर अब तो हो गया अब तो गए भाई साहब बच गए अब लास्ट मोड़ पे बच गए तो गाड़ी अगर कोई स्पीड पुलिस पकड़ ली थी तो अंदर रह जाते
ये 344 किलोमीटर की दूरी हम लोगों ने तय कर ली है और 280 किलोमीटर अभी और बाकी है भाई, नहीं बैठा जा रहा है इसमें। क्यों मल्लार भाई? मेन बात मुझे सबसे ज्यादा जो बात खटक रही है ना भाई, दरवाजे के मतलब दरवाजे पे खड़े नहीं रह पा रहे, क्लोज सारा मामला, इतना अच्छा वेदर हो रहा है, सांस लेने को नहीं मिल रहा ढंग से, बस एसी की हवा ही मिल रही है। फिर से कैद अगले 280 किलोमीटर के लिए। अगला स्टॉप अपना कनकावली होने वाला है, उसके बाद थीवी फिर मडगांव। माननीय रत्नागिरी से भी हम लोग निकल चुके हैं और जो डीले है लगभग आधे घंटे का यहाँ पे चल रहा है। स्टेशन तो बहुत खूबसूरत है, ये बात तो माननी पड़ेगी, और मानसून ने इसे डबल खूबसूरत बना दिया। यहाँ पे अभी हम लोग पनवल वायडक को पार कर रहे हैं, सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा वायडक जो है इंडिया का। ये देखो भाई, बारिश लगातार हो रही है इसलिए बाहर से ना दरवाजे खुल रहे ना कुछ, तो दिखा पाना एकदम इम्पॉसिबल सा है। तो ये था पनवल वायडक, वाओ मजा आ गया। जोश है वो रत्नागिरी तक ही रहता है, उसके बाद थोड़ा जोश जो है वो ठंड पड़ जाता है क्योंकि सुबह से नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग चल ही रही थी। बाकी लंच वगैरह जो है वो सर्विसेज शुरू होने वाली है, वो आपको दिखाएंगे क्या मिलता है। और हाँ, ब्रेकफास्ट में जो कॉर्नफ्लेक्स नहीं मिला था उसके लिए मैंने कन्फर्म किया, तो बताया गया कि योगर्ट और जो एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं इसके कारण अभी ट्रायल बेसिस पर कुछ दिनों के लिए कॉर्नफ्लेक्स वगैरह नहीं सर्व किया जा रहा, लेकिन अगर आप मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा अलग से अगर आपको ज़रूरत है तो। बाकी खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया ना ठेपले के साथ अचार वगैरह मिलता है, पर आज आलू की सब्ज़ी थी, ये चीज़ें उन्होंने बढ़ाई हैं और एडजस्ट कर रहे हैं कि क्या पैसेंजर्स को पसंद आता है। मुसली से लेकर ओट से लेकर बहुत सारी वैरायटी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी। लेटे लेटे अभी जो राजधानी क्रॉस करते हुए देखा ना, वो थी मडगांव राजधानी, जो कि गोवा से हज़रत निज़ामुद्दीन के बीच में चलती है। अब ट्रेन सिंगल लाइन रूट है इसलिए रुक रुक आते जा रही है। अब मुझे लग रहा है कि गोवा लेट पहुंचेगी क्योंकि अभी कनकावली भी हम लोग लेट पहुंचने वाले हैं। अभी 12:05 हो रहा है, 60-70 किलोमीटर बचा हुआ है। भिलवाड़े रेलवे स्टेशन पर ट्रेन अपनी रुकी हुई है। अभी राजापुर रोड से हमारी ट्रेन निकल रही है। एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ पर बीचों बीच रेलवे स्टेशन में ना वाटरफॉल आपको देखने को मिलता है। अब पता नहीं अभी वो खुला है कि नहीं, यहाँ पे एक्चुअली होता है, खुला है खुला है। वाओ बहुत ही खूबसूरत है यार, कोकन है ही बहुत खूबसूरत यार, कितनी तारीफ करूँ। सुबह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिर भी थोड़ी थोड़ी देर में कैमरा खुल ही जाता है। और यहाँ पे हम लोगों ने वापस से रिक्वेस्ट किया तो देखो चाय कॉफ़ी अपने लिए फिर से स्नैक्स आ चुके हैं। हाँ लंच भी आने वाला है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, आप जितना चाहो उतना मांग सकते हो। ये देखो यार नज़ारे, ये वाओ क्या हाल है, क्या व्यूज है भाई, व्यूज रुकेंगे नहीं इस रूट में, बारिश भी नहीं रुकेगी, क्या नजारे हैं। मांडवी योगी है, मांडवी एक्सप्रेस, हाँ मांडवी, वाओ द फूड क्वीन मांडवी इज हियर। बहुत बढ़िया गाड़ी, इसके फर्स्ट एसी में रिलैक्स ट्रिप करना है अभी एक बार। कोई रेलफेयर ऑन बोर्ड है? स्लीपर के लिए भी बहुत बढ़िया गाड़ी है, बस एकदम साफ सुथरी। स्लीपर सब खाली रहता है, रत्नागिरी तक की भरा रहता है बस। थोड़ा
वंदे भारत के एग्जीक्यूटिव से मतलब मांडवी का स्लीपर ज़्यादा प्रेफर करूँगा यार, कम से कम थोड़े बहुत आज़ादी हवा वगैरह है और कंफर्ट लेवल उसमें लेटने भर का है। इसमें तो कुछ नहीं है, मतलब बोर हो गया सभी लोग जो इतने ट्रेन में है ना, सबका वही हाल है। 3:30-4 बजे मुझे लगता है अब गोवा पहुँचाएगी। अब तो मुझे तो ये लगता है कि 3500 रुपये पे कर रहे हैं हम एग्जीक्यूटिव के। फर्स्ट एसी आता है उसमें मांडवी का, बढ़िया इन्जॉय करते हो जाते हैं। 2500 रुपये में आ जाता है, खाना भी दिखाओगे ना इसमें, खाना मिल रहा है। हाँ बट फिर भी उसमें बेड मिलता है, उसमें कंफर्ट अलग लेवल का होता है यार। सो मैं तो उसी को प्रेफर करूँगा यार, वंदे भारत नहीं। अभी 12:40 हो रहा है और यहाँ पे ट्रेन का जो सूप है वो आ चुका है। पहले हमें सूप का पैकेट मिला था, ये प्रीमिक्स वाला, उसके साथ फिर गर्म पानी सर्व किया गया। मेन चीज़ ये कि सूप स्टिक एंड बटर के साथ ये मिला हुआ है, साथ में सॉल्ट एंड पेपर भी मिला है। चलिए भाई देखते हैं स्वाद कैसा है इसका। सूप तो आज अच्छा लग रहा है क्योंकि मौसम ठंडा ठंडा सा है, बारिश वाला, और ऐसे में गर्म गर्म सूप, बस पकौड़े की और कमी। इस ट्रेन में पकौड़े की सर्विस भी होनी चाहिए मानसून में यार, वो हो जाता तो और मज़ा आता। बाकी सूप स्टिक है अपनी फेवरेट चीज़ बटर के साथ, इसे इन्जॉय करते हैं। चाहिए कुछ रैपर चिपक गया। बाकी मिलते हैं आप लोगों से आने वाले कनकावली स्टेशन में। कृपया अपना सारा सामान अपने साथ ले जाना न भूले। फाइनली कनकावली रेलवे स्टेशन में पहुंचे हैं। देखो बाहर बारिश वगैरह हो रही है प्रॉपर, पूरा नॉन स्टॉप बारिश देखो यहाँ पे भी हो रही है। कोंकण के यही मज़े हैं, देखो लोग यहाँ बैठे हुए बारिश इंजॉय कर रहे हैं, चाय कॉफ़ी स्टेशन में मिल रहा है, वंदे भारत ट्रेन यहाँ आ चुकी है। 12:45 का टाइम था और यहाँ देखो डीले टाइम चल रहा है अपना। अंदर चलते हैं, 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे, ज़्यादा रुकेंगे नहीं। दरवाजे यहाँ बंद हो चुके हैं और यहाँ पे देखो लंच की तैयारी चल रही है। तो देखो खाना वगैरह जो है वो सेट किया जा रहा है यहाँ पे, हॉट केस से निकाल के एकदम गर्म गर्म खाना सर्व किया जा रहा है। फिर आपको लंच भी अभी दिखाना है जो कि अपनी सीट पे आ चुका है। चलो सीट पे चला जाए, पहले आपको लंच दिखाते हैं। और इसी के साथ कनकावली से हमारी ट्रेन निकल चुकी है। भाई साहब क्या वाटर फ्लो हो रहा है यहाँ पे, भाई। तो भाई यहाँ पे एक ड्राई वेज की सब्जी आई है, साथ में चावल है, जीरा राइस है, साथ में दाल में तड़का लगा हुआ है, और वेज में पनीर है। मैंने मल्हार भाई का खाना देख लिया था तो जल्दी जल्दी आपको दिखा दूँ। एक चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी कि इसमें पराठे जो हैं अच्छे खासे पके हुए दिए गए हैं, मतलब कच्चे नहीं दिए गए हैं, ठीक है, देखने में काफ़ी सही लग रहे थे। और बाकी यहाँ पे एक अचार है और वेट वाइप है, साथ ही साथ नमक का पैकेट है, सैनिटाइज़र है और दही अमूल का मस्ती ये वाला। अब टेस्ट करते हैं, देखते हैं स्वाद कैसा है इसका। कि ट्रेन का खाना देख लेते हैं, हम लोगों ने क्या किया, सीट रोटेट कर ली बाजू वाली, पैसेंजर सारे उतर ही गए थे कनकावली में। अब देखते हैं खाने का स्वाद कैसा है। सबसे पहली चीज़, क्योंकि भाई ट्रेन चली है वंदे भारत, फूड रिव्यू तो बनता है। पनीर तो लग रहा है यार सोलापुर स्टाइल बनी, तुम ट्राई करो महाराष्ट्र। दाल तो मल्हार भाई देख रहे हैं, दाल अच्छी है, बढ़िया है, दाल अच्छी, दाल तो बहुत अच्छी लग रही है। पनीर देखता हूं, अजीब से स्पाइसी सा, मतलब काला मसाला जैसे बड़ा हो ना, इसमें ऐसा लग रहा है कि कोई तो घरेलू मसाला होता है, पर वो घरेलू नहीं लग रहा, थोड़ा अजीब सा मसाला लग रहा है। इट्स ओके। आलू की सब्जी कैसी है? आलू अच्छी है, ड्राइवर सब्जी आलू बढ़िया है। बाकी मेन चीज मुझे अच्छी लगी है पराठे या रोटी, आप जो बोलते हो, साथ में दही भी है, चावल भी है, खाना ओवरऑल ठीक है। ठीक है, खाने को हम लोग 10 में 8 रेटिंग देना चाहेंगे ना। बिल्कुल 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 सहमत हूं मैं इस रेटिंग से। बाकी स्वाद अच्छा है, मेरे को तो काफी अच्छा लगा। बहुत गर्म है और चावल भी फ्रेश लग रहा है, दाल भी अच्छी है, दाल मेन टेस्टी है, बस थोड़ी सी खामी है पनीर में। पनीर थोड़ी सी डाउन है, बाकी कुछ अजीब सा स्वाद लग रहा है, शायद हमारा टेस्ट ना हो, ये हो सकता है यहाँ पे ऐसे ही बनता हूँ। हाँ बाकी ओवरऑल बाकी चीज़ें बहुत बढ़िया, मतलब मेन पराठे अच्छे मिल गए, रोटी अच्छी मिल गई, तो सब्जी कोई भी हो चल जाता है काम बढ़िया। अभी हमारी ट्रेन कुड़ाल को स्किप कर रही है, चिन्मय भाई के गांव को। वाओ क्या हाई स्पीड स्किप मारा है, व्यू बहुत अच्छा है यार, बहुत सुंदर है कुड़ाल भी। जन शताब्दी से अपनी क्रॉसिंग भी हो रही है, ये जा रही है अभी मुंबई की ओर। खाना अपना चल ही रहा था,
जो चीज़ आते जा रही है सब आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। विस्टाडोम का कुछ आगे क्यों लगा था मतलब? तब तो फ़ायदा नहीं है अगर आप मुंबई से, मुंबई के लिए जा रहे हो, अगर मुंबई से गोवा आ रहे हो तब तो बेस्ट है इसका विस्टाडोम, वरना तो भाई इंजन का व्यू आएगा आपको। यहाँ पे तुतारी एक्सप्रेस खड़ी हुई है और हम लोग सावंतवाड़ी रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं यार। तुतारी में भी एक बार ट्रैवल करना है यार, अच्छी गाड़ी, डीजल भी लगता है, टाइमिंग भी इसकी मैंने सुना अच्छी है। ICF कुछ है? अच्छा ICF भी है तो एक कंफर्ट लेवल भी होगा। बाकी इससे आप अंदाज़ा लगा लो कौन सी चीज़ टेस्टी थी कौन सी नहीं थी। और मल्लार भाई की प्लेट से एक मैंने बस आपके लिए रिव्यू किया, उसको मैंने हाथ भी मैंने भी नहीं लगाया। वही हाल देखो, ड्राई वेज बढ़िया थी, पनीर एकदम बेकार तो वो रह गया भाई। तो भाई खाते खाते आइसक्रीम भी आ गई, अब क्या क्या दिखाएं आपको, बैक टू बैक चीज़ें चल रही हैं। भाई का खाना चल रहा है और यहाँ अपनी डेजर्ट आ चुकी है, अल्टीमेट स्वाद बटर स्कॉच मेरा फेवरेट। मंगलवार को दाल राइस पसंद ही आ गया, राउंड टू चल रहा है यहाँ पे। चलो मिलता हूँ आप लोगों से सीधा थीवी में। अब ये जो रिवर आई ना, ये महाराष्ट्र और गोवा को डिवाइड करती है, ये बॉर्डर पे एकदम पड़ती है रिवर। इसके बाद हम लोग अब गोवा में एंटर कर जाएंगे। और ट्रेन जो हमारी लगातार भाग रही है अपने सफर में। वाओ मांडवी तो ओवरफ्लो हो रही है यहाँ पे, क्या बात है। अब लग रहा है कि गोवा में एंटर हो चुके हैं प्रॉपरली, जब से शिप्स वगैरह दिखना शुरू हो गया। तो भाई ये रहा जुवारी ब्रिज, वाओ क्या नज़ारे हैं यार, सीरियसली। बहुत मस्त लग रहा है यार व्यू यहाँ पे। मैं यहाँ पे आया हूँ स्पॉटिंग करने के लिए, डबल डेकर ट्रेन वगैरह ऐसी इस जगह पे आया था ऐसे एक बार, वीडियोस वगैरह बना के गया हूँ। थोड़े समय में मडगांव पहुँचने वाले हैं, अब आपसे सीधा मडगांव में मुलाकात करता हूँ। भाई यार बारिश जो है वो अपना साथ लगातार दे रही है और यहाँ वास्को डी गामा वाली लाइन तो आ गई, पर पता नहीं अब आपको दिखाऊँ कैसे, शायद कि थोड़ा बहुत दिख पा रहा हो उस पार। ये देखो यार ट्रैक, मजोरदा बोलते हैं मजरोदा बोलते हैं यार ये तो नहीं कह सकता, पर जंक्शन आता है वहाँ से, ये जो दोनों लाइनें मडगांव वाली वास्को वाली ये मिलती हैं। बारिश ने गोवा में भी भयंकर स्वागत किया अपना। देखो ये पंचगंगा खड़ी हुई है, बैंगलोर के लिए जाएगी। पहले ये मडगांव से कारवार एक्सप्रेस बन के जाती है, फिर शाम में 6:30 के आसपास कारवार बैंगलोर एक्सप्रेस बन के जाएगी। यहाँ पे अपनी ट्रेन मडगांव जंक्शन पहुँच रही है। तो 3:30 का टाइम था और 3:30 ही ट्रेन पहुंच चुकी है मडगांव रेलवे स्टेशन, और अपना ये जो सफ़र है ये यहाँ पे ख़त्म होता है। बाकी अपनी कोंकण की वंदे भारत का अपना ये जो सफ़र है यहीं पे एंड होता है। आपको ये जर्नी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। खाने पीने की बात की जाए तो मैंने आपको उसका डिटेल रिव्यू वहीं पर दे दिया कि जो सुबह थे वड़ा पाव में इम्प्रूवमेंट चाहिए, और दोपहर में जो आपको खाना मिल रहा है उसमें चाहिए इम्प्रूवमेंट पनीर वगैरह में। बाकी चीज़ें अच्छी हैं, साफ़ सुथरी हैं, कम से कम ट्रेन को अच्छे से मेंटेन किया जा रहा है। इस ट्रेन में टिकट अवेलेबिलिटी आपको आसानी से नहीं मिलेगी, एक दो दिन पहले आपको टिकट करानी पड़ेगी। बाकी आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप इसकी बजाय किसी एसी ट्रेन का टू टायर या फर्स्ट एसी लेते हो बहुत ज़्यादा वर्थ रहेगा। इसमें 9 घंटे बिताना काफ़ी टॉर्चरस सा हो जाता है जैसा मेरा एक्सपीरियंस था। बाकी जो लोग इसके आदी हैं, बस में ट्रैवल करने के आदी हैं, उनके लिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन इसमें ट्रैवल करने के लिए 3,300 देना पड़े तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। फ्लाइट ज़्यादा अच्छी है, या तो पर्सनल आप देख लो वहाँ पे, अगर आपको ट्रेन वगैरह मिल जाती है 2 AC 1 AC किसी भी ट्रेन में सीट मिल जाती है, फैमिली के साथ ट्रैवल करो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इंस्टाग्राम में अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, स्टडी द ट्रेन गुरु है, वहाँ मैं जर्नी अपडेट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। गोवा में अभी भी बारिश है, मानसून ने अपना पूरा रास्ते साथ दिया, बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी इस वीडियो में यहाँ तक बने रहे हो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जर्नी के साथ, नए रूट के साथ। मानसून का कवर करना हमने शुरू कर ही दिया है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नई जर्नी में आप लोग के लिए लेकर के आता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।